सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये आपका मॉल, आपका रेस्टोरेंट, आपका सिनेमा हॉल, आपका कॉलेज, आपकी बिल्डिंग्स क्या काम की? और हम देखते हैं कितनी बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके बाद वो केस बनता है, चालान बनता है कि सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं रखे गए और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसलिए जो स्टूडेंट्स आज आए हैं और ट्रेनिंग में आए हैं, आप 15 दिन का अधिक से अधिक उपयोग करिए, समझने की कोशिश करिए कानून क्या कहता है, कानून के साथ अपना कर्तव्य क्या है। और जिस बिल्डिंग में इस प्रकार के मेजरमेंट नहीं देखते हो, आप तुरंत वहां के लोकल ऑफिसर्स को, जिलाधीश को, पुलिस कार्यालय को जरूर फोन करिए, सब यहाँ ये मेजरमेंट नहीं है, कभी भी घटना घट सकती है। समाज सतर्क होगा तभी आगे जाके सारे सतर्क हो। यूरोप में सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को, पुलिस वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, जनरल पब्लिक जो को इस प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम रखकर इनके बारे में बताएंगे, तब कभी भी कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट या हजार्ड्स हो जाते हैं या डिजास्टर हो जाता है तो उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए वो जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए, कम से कम कुछ कुछ बातें तो ज्ञान होना ही चाहिए, तभी जाके हम इसको समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना स्ट्रिक्टनेस होगा, जितना नागरिक समझेंगे, तभी बिल्डिंग सेफ हो सकती है और रह सकती है। इसी कार्यक्रम में डिप्लोमा कोर्स हमारे यहाँ चलाते हैं और बाहर से जो पधारे हैं महाराष्ट्र, गुजरात से, राजस्थान की अलग अलग जगह से, और ये 15 दिन में अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए, फायदा लीजिए, उपयोगिता समझिए और इसका फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करिए। और इसमें कई बड़ा स्कोप है, आप अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित आपको रोजगार भी प्राप्त होगा और आप देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।